अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चने की दाल का हलवा। इसको विंटर्स में खाया जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप चने की दाल को भिगो लिया था 6 से 7 घंटे के लिए। आप इसको ओवर नाइट भी भिगो सकते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसमें दाल को ऐड करेंगे। दाल को हमें पकाने के लिए यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करना है। 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है। दूध ऐड करने के बाद चने की दाल को हमें कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर और मिक्स करते जाना है। यहाँ पर मैं ढक्कन लगाकर पका लूँगी कुछ देर के लिए। बीच बीच में आप इसको चेक करते जाइएगा। जैसा कि हमने फुल फैट मिल्क ले लिया है तो उसकी मलाई साइड्स में लग रही है, तो हमें स्पून की मदद से इसको स्क्रैप करते जाना है। बीच बीच में इसको चलाते जाएंगे। दाल अच्छे से गल गई है और इसमें थोड़ा सा दूध बाकी है, तो इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको ग्राइंड करने के लिए हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ग्राइंडर जार में करना चाहते हैं तो दाल को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही ग्राइंड कीजिएगा। दाल अच्छे से ग्राइंड हो गई है। जैसा जैसा ये ठंडी होती जाएगी, थिक होती जाएगी। दाल को ग्राइंड करने के बाद हम इसको साइड में कर लेते हैं और अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून घी गरम कर लिया था। आप चाहो तो घी का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हो। जो आपकी हमें पिस्ताचू डालेंगे, आप इसके अलावा कोई भी नट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैंने दाल ली थी तो उस हिसाब से मैंने गुड़ का पाउडर भी ले लिया है 1 कप। अब इसको भी अच्छे से हम घी के साथ भून लेंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता। गुड़ को हमें हल्के से मेल्ट करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है तो हमने जो दाल पीस कर रखी थी अब उसको ऐड करेंगे। दाल को ऐड करने के बाद हमें फ्लेम को लो कर देना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। सैफरन को मैंने थोड़े से पानी में भिगो लिया था, उसको ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए पका लेना है। सौंफ का पाउडर आपने ज़रूर ऐड करना है। चने की दाल क्योंकि हैवी होती है तो सौंफ के पाउडर से डाइजेशन भी बहुत अच्छे से होता है। तो चने की दाल का हलवा हमारा तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे। इसको गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर पेपर लगा लिया है और चॉपकी हवा पिस्ताचू है, इससे गार्निश कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।